जय हिंद साथियों, मैं गौतम पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार जीके भाई गौतम पाल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों जुड़ जाएंगे जल्दी से, फटाफट सेशन अपना स्टार्ट हो चुका है। और देखो आज की जो क्लास रहने वाली है अपनी, और आज की जो मैं क्लास में आपको बताने वाला हूँ, तो बात करने वाले हैं नए संसद भवन के बारे में। जो अपनी नई संसद भवन है, जो मोदी जी के द्वारा जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था, तो इसी संसद के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी हर एक चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो देखिए चलते हैं क्लास में। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इस क्लास को आप लाइक करिए। और जो भी नया सब्सक्राइबर है हमारा, यानी नया साथी हमसे जुड़ रहा है, तो एक बार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ठीक है भाई? तो देखो आज की बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, जो कि पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखें और पूरा वीडियो को देखें, लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में और भी, है ना, संसद के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं, ठीक है भाई? ओके चलो। तो देखो जैसे आप देख पा रहे हो कि भाई नई संसद भवन है हमारी, इस तरीके से है ना, आपके सामने है नई संसद भवन, ठीक। जिस तरीके से अभी सारी बात करेंगे कि इसका संसद भवन का भाई आकार वगैरह क्या था, है ना, आकार इसका क्या रहा, इसके डिजाइनर कौन रहे, कंपनी कौन रही, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो जिस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या शानदार भव्य जो है आपके सामने दृश्य है, ठीक है। बहुत मतलब शानदार तरीके से इंटीरियर देखने को मिलेगा आपको। देखो ये जो है वो लोकसभा भवन है, ये किसका चित्र है भाई, ये लोकसभा का भवन है आपके सामने, है ना, लोकसभा भवन, ठीक। इसकी बात करेंगे कि लोकसभा की थीम किस पर आधारित है, तो ये आपको दिख रहा होगा भैया, ये देखो मयूर के पंखों पर, है ना, यानी मोर के थीम, यानी मोर के ऊपर थीम है ये, है ना, लोकसभा की। उसके बाद आगे थोड़ा सा चलेंगे हम, तो आगे देखोगे आप इस तरीके से ये लोकसभा का, देखो अंदर से क्या शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है भाई। तो सारी के सारी जानकारी देखेंगे। ये राज्यसभा है अपनी, क्या ये राज्यसभा हो जाएगी, राज्यसभा की भी थीम आपसे पूछी जाएगी। तो ये कमल का फूल जो है अपना, उस पर आधारित है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ चित्र दिखा रहा हूँ, अभी आगे जानकारी मैंने इकट्ठा की हुई है, आगे जानकारी भी दूंगा। ये तो एक तरीके से आपको संसद के बारे में, ये संसद के चित्र दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। बात करेंगे सर पुरानी संसद के बारे में, तो ये थी पुरानी संसद, ठीक है, ये पुरानी संसद। देखो अगर पुरानी संसद के बारे में बात करें ना, क्योंकि आज की वीडियो तो नई संसद भवन के बारे में होने वाली है, लेकिन आपको पुराने संसद के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे सर क्या, तो देखो पुराने संसद जो अब तक हमारी संसद रही है वो ये थी, जो कि गोलाकार है ना, इसका आकार कैसा था, तो आप बताओगे सर ये तो गोलाकार है, ठीक है। नहीं पुरानी संसद कैसी थी भाई, गोलाकार पुरानी संसद देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। नहीं जो पुरानी संसद देखने को मिलेगी गोलाकार मिलेगी। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका उद्घाटन कब किया गया, तो पहली बात तो देखो 1921 से लेकर के 1927 के बीच में ये बन करके तैयार हुई थी। और इसको बनाने में दो व्यक्तियों, यानी दो डिजाइनरों का नाम आता, एक का नाम तो था एडविन लुटियंस, क्या नाम था, एक का नाम एडविन लुटियंस देखने को मिलता है साहब, एडविन लुटियंस, और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था हर्बर्ट, क्या था भाई, हर्बर्ट, हर्बर्ट बेकर। तो हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस के द्वारा पुराने संसद भवन का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया था, ठीक है, जो कि आपके सामने है, ठीक। अब बात करेंगे कि सर ये तो पुराने संसद भवन हमारी होगी जो कि गोलाकार थी, और इसमें देखो एक बात और याद रख लेना, अगर रखना चाहो तो पुराने संसद भवन में आपसे पूछा जाएगा भाई राज्यसभा सीट कितनी थी और लोकसभा सीट कितनी थी, ठीक है। यानी टोटल जो सीटें थी ना यहाँ पे, टोटल सीटें आपको देखने को मिलती यहाँ पे कितनी, 80। 80 कैसे कैसे, तो देखो राज्यसभा जो सीट थी यहाँ पर, आप सभी को पता होगा भैया 250 राज्यसभा सीट थी, और यहाँ पे 550 यहाँ पर लोकसभा सीट देखने को मिली थी पुरानी वाली में। अब यही चीज़ हम नई संसद भवन में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिरकार, ठीक है। तो आपके सामने पॉइंट लिखे हुए हैं कि सांसदों के बैठने के लिए स्थान कम होना, क्यों, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि टोटल संसद भवन में 800 सीटें थी, जबकि अब जो नया संसद भवन है इसमें टोटल लगभग 1272 सीटें कर दी गई हैं। कितनी, 1272 सीटें कर दी गई हैं, है ना भाई, कितनी, 1272
72 सीटें लगभग अब इसमें कर दी गई हैं। संकटग्रस्त अवसंरचना, यानी पहली जो हमारी संसद थी भैया संकटग्रस्त हो चुकी थी, है ना। सुरक्षा चिंताएं भाई सिक्योरिटी के पर्पज से भी काफ़ी पुरानी पुरानी संसद थी, और नई संसद में काफ़ी ऐसी चीज़ों का, अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र, वहाँ पे जो संसद है तो संसद में जो MLA MP हमारे आते हैं तो उनके कार्य करने के लिए भी पर्याप्त क्षेत्र पुरानी संसद में नहीं था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नए संसद की आवश्यकता रही, ठीक है भाई। अब बात करेंगे सर नए संसद भवन के बारे में क्या, और तो देखो ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, क्या है भाई ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो कि आपसे पूछा जाता है सेंट्रल विस्टा के बारे में, ठीक है भाई। ये क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। सेंट्रल विस्टा इसको क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा ही अपनी नई संसद भवन जो है बनकर के तैयार हुई है। तो यह भी याद रखेंगे किस प्रोजेक्ट के तहत, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये तो है विजय चौक, अब इसी के सामने हमारी ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है, क्या यानी ये पुरानी संसद भवन है। लेकिन नए संसद भवन की बात करते तो नया जो संसद भवन है वहाँ भाई यहाँ पर के बनकर के तैयार हुआ है ये, ठीक है। ये देखो नया संसद भवन यानी न्यू पार्लियामेंट, ठीक है भाई। इधर आपको साउथ ब्लॉक मिल जाएगा, ये इधर नॉर्थ ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर है अपना क्या भाई राष्ट्रपति भवन है ये, क्या है ये राष्ट्रपति भवन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर बात करते हैं सर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा और क्या क्या किया जाना चाहिए या क्या क्या किया गया है या क्या क्या होगा, तो देखो ये है कब क्या और कितने में बनेगा, ये भैया अमर उजाला की कटिंग है। देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तो ये परियोजना है इधर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, ठीक है। इसमें लागत दिखाई गई है आपको लगभग 608 करोड़, ठीक, और पूरा हो चुका है ये प्रोजेक्ट। तो नया संसद भवन में लगभग कितनी 971 करोड़, है ना, कहीं कहीं 971, कहीं कहीं आपको 800 करोड़ भी मिल जाएगा, कितना, कहीं कहीं 800 करोड़ भी मिल जाएगा, मतलब लगभग है ये, तो ये भी पूरा हो चुका है भैया। उपराष्ट्रपति निवास बनना है 208 करोड़ लगभग में दिसंबर 2023 में, ये भी बन गया, ठीक। केंद्रीय सचिवालय बनना है जो कि मई 2024 तक जाकर के ये पूरा होगा, और लगभग लगभग 3690 करोड़ ये इसमें खर्चा आने वाला है, ठीक है भाई। एग्जीक्यूटिव एनक्लेव बनेगा जो अभी काम शुरू नहीं हुआ है इसका भी, तो ये सब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। अब समय ना गवाते हुए पहले देख लेते हैं हम संसद से रिलेटेड पॉइंट, और उसके बाद बात करेंगे कि भाई इस संसद का उद्घाटन कब किया गया, कब नींव रखी गई थी और किसके द्वारा ये डिजाइन वगैरह दिया गया। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे आप देखोगे सर जो नई संसद भवन है, आपसे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि नई संसद भवन का आकार कैसा है, तो आप याद रखोगे देखो ये जो आपको आकार दिख रहा है कैसा आकार है भाई, तो आप बताओगे सर ये त्रिकोण आकार है, क्या ट्रायंगल है, है ना, ट्रायंगल शेप है, त्रिकोणीय आकार है। अब बात करते हैं इसके बारे में, देखो कुछ के जैसा लिखा हुआ है नए संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है, कैसा है, त्रिकोणीय है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस भूखंड पर बना है वह त्रिकोणीय है, भाई जो जगह थी जहां पर ये संसद भवन को बनाया गया है तो वो जगह ही त्रिकोणीय थी, तो इसलिए त्रिकोणीय बनाया गया है, ठीक है। नए संसद भवन का स्वरूप विचित्र धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है, इसका डिजाइन और सामग्री पुराने संसद की पूरक है, साथ ही दोनों भवनों का एक परिसर है। परिसर जो है जैसे कि पुराना संसद भवन है ना, तो उसी के सामने नए संसद भवन को बना दिया गया। मैंने अभी आपको लास्ट में, मतलब जो अभी एक इमेज थी लास्ट, उसमें दिखाया भी गया था, ठीक है भाई। तो ये हमारा आकार, यहाँ से आपको कुल मिलाकर के इतनी बात याद रखनी है कि सर आकार जो है संसद भवन का नई वाली का वो कैसा है, तो ट्रायंगल शेप है, त्रिकोणीय आकार है। नेक्स्ट बात करेंगे अब इसमें भैया लोकसभा के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लोकसभा क्या है, तो ये आपको दिख रहा है मोदी जी भी खड़े हैं यहाँ पे, ये लोकसभा भवन है, क्या है ये लोकसभा भवन है, ये यानी लोकसभा है। अब देखो इसमें ये जो आपको दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी छत इसकी है ना, तो इस पर जो डिजाइन किया गया है ना, जानते हो कैसा डिजाइन है ये सर, तो ये मोर के पंखों का डिजाइन है, यानी मोर के पंखों के समान इसमें नक्काशी की गई है, ठीक है। चलो खैर पढ़ लेते इसके भी क्या की पॉइंट है। देखो नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब है भैया मोर की
थीम पर आधारित, किस पर, मोर की थीम पर आधारित, इसका मतलब यही तो हो गया, विषय वस्तु को अपनाया गया है जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं जो जो टील कारपेट से सुसज्जित हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपको, लोकसभा कक्ष में वर्तमान के 563 के बजाय कितनी सीटें, 888। तो आपसे पूछा जाएगा भैया लोकसभा जो नई लोकसभा है इसमें कितनी सीटें हो गई, तो याद रखेंगे 888 सीटें लोकसभा में हो गई। ठीक है, और जिसकी क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई भैया, 1272 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरी संसद जो है अपनी, तो इस संसद भवन में, टोटल कितनी सीटें हो जाएंगी, तो 1272 संसद में हो जाएंगी। ठीक है, इनमें से 888 तो लोकसभा की हैं, तो फिर इसमें राज्यसभा की कितनी बच जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए सर 384 फिर यहाँ पे हमारी राज्यसभा की बच जाएंगी। ठीक है, याद रखना। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, क्या कि सेंट्रल हॉल के अभाव में, लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा। यानी कि जैसे कि लोकसभा यानी कि जैसा कि संसदों की संयुक्त बैठक होती है ना, आप जानते हो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो अब संयुक्त बैठक का जो आयोजन कराया जाएगा वो कहाँ पर कराया जाएगा, तो लोकसभा में ही संयुक्त बैठक करा दी जाएगी। ठीक है नहीं, याद रखना इतनी बातें। इससे भी तो लोकसभा के बारे में इतनी बातें याद रखनी, मोस्टली आपको दो तीन बात याद रखनी लोकसभा से, क्या, एक तो सीटें कितनी हो गई हैं, 888। लोकसभा की जो थीम है वो किस पर आधारित है, तो भैया मोर के पंखों पर आधारित है। और तीसरी चीज है कि संयुक्त बैठक जो कराई जाएगी अब कहां पर कराई जाएगी, तो लोकसभा में ही संयुक्त बैठक कराई जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपसे पूछा राज्यसभा, क्या राज्यसभा के बारे में अगर पूछा जाए तब क्या होगा, तो देखो राज्यसभा ये आपके सामने है राज्यसभा, और इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो छत है, इस पर कैसी नक्काशी की गई है, तो भैया इस पर की गई है कमल के फूल, के समान नक्काशी की गई है। ठीक है, चलो पढ़ लेते इसको भी। तो राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है ना, कैसी भैया, लाल कालीन है और थीम कैसी है, कमल, की। ठीक है, लेकिन आगे क्या पढ़ोगे, देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर दो सांसद बैठ सकेंगे, और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। क्या होगी, टच स्क्रीन होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राज्यसभा कक्ष अब 250 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 कितनी सीटें हो गई, अभी मैंने बताया आपको इसमें राज्यसभा में 384 सीटें कर दी गई हैं। ठीक है नहीं, याद रखेंगे इतनी बातें इसके बारे में, बाकी और कुछ आपको ज़्यादा राज्यसभा से याद नहीं रखना। एक तो आपको याद रखना है सर राज्यसभा कक्ष जो है इसकी थीम किस पर आधारित है, कमल पर, और राज्यसभा की सीटें कितनी कर दी गई हैं, 384 सीटें कर दी गई हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको राज्यसभा से याद रखनी है। अब बात करेंगे आगे कि सर भारत भर से सामग्री कहाँ कहाँ से आई, यानी कि ये जो हमने संसद भवन का अपना निर्माण किया है तो इसमें जो सामग्री लगी है वो कहाँ कहाँ से आई है, तो देखो इसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते। भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर से विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री लाई गई हैं, जिसमें धौलपुर के सरमथुरा से बलुआ पत्थर आया है। कहाँ से, धौलपुर के सरमथुरा से क्या, बलुआ पत्थर, और राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले से लाखा गांव से ग्रेनाइट आया है। ठीक है, इसी प्रकार साज सज्जा में प्रयुक्त लकड़ी नागपुर से लाई गई है, यानी कि इसको सजाने के लिए जो लकड़ी की नक्काशी की गई है या लकड़ी का प्रयोग किया गया है वो कहाँ से आई है सर, तो नागपुर से लकड़ी आई है, और मुंबई के शिल्पकारों ने इस पर वास्तुशिल्प डिजाइन का निर्माण कार्य किया है, मतलब डिजाइन वगैरह जो किया है वो मुंबई के शिल्पकारों ने किया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के भदोही के बुनकरों ने भवन के लिए हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नए संसद भवन में जो कालीन बनाए गए हैं तो कहाँ के बुनकरों के द्वारा वो कालीन बनाए गए हैं, तो भदोही के बुनकरों के द्वारा वो कालीन बनाए गए हैं। ठीक है,
तो ये सामग्री के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे कि जो नया संसद भवन है इसमें कुछ प्रतिमाएं भी मतलब स्थापित की गई हैं, कुछ प्रतिमाएं यानी मूर्तियां, जैसे कि गांधी जी की मूर्तियां भी स्थापित की गई यहाँ पे जैसे। तो मूल रूप से वर्ष 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी पहले ये क्या थी, ये संसद के मुख्य, जो हमारा पुराना संसद भवन था भाई, अब तो पुराना ही कहोगे, तो उसके मुख्य द्वार पर स्थापित की गई थी ये, जो कि कितनी 16 फिट, ये दिख रही है ना आपको, ये कितनी फिट ऊंची है सर, इसकी हाइट 16 फिट ऊंची है, याद रखेंगे। जो गांधी जी की मूर्ति दिख रही है, ये मोदी जी भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, पुराने और नए भवन के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि बीच में नया पुराना संसद भवन और नया संसद भवन, उसके बीच में गांधी जी की प्रतिमा को स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, यह अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार के समीप पुराने भवन के सामने है। यह प्रतिमा छात्रों और संसद सदस्यों के विरोध सभाओं और फोटो ऑप्स, है ना, जो फोटोज हैं वगैरह के लिए महत्वपूर्ण स्थल रही है, ठीक। इसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार, जो पंडित राम वी सुतार हैं, उनके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। पंडित राम वी सुतार जो हैं उनके द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था। तो ये गांधी जी की मूर्ति के बारे में आपको बात याद रख लेनी है। नेक्स्ट बात करेंगे सर, इसमें राष्ट्रीय चिन्ह भी है ना, जो नया संसद भवन है ना, तो नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया है, जो कि आपके सामने है ये राष्ट्रीय चिन्ह अपना, ठीक। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, इसमें जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, ठीक। जिसका वजन कितना, इसका वजन याद रखेंगे 9500 किलोग्राम इसका वजन है भाई, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है ना, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा यानी अशोक स्तंभ है। तो 9500 किलोग्राम इसका वजन और 6.5 मीटर इसकी हाइट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो, इस विशाल कांस्य प्रतिमा को, कैसी मूर्ति है ये, कांस्य की मूर्ति है, किसकी, कांस्य की। तो कांस्य प्रतिमा को सहारा देने के लिए सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर 6500 किलोग्राम की संरचना का निर्माण किया गया। भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। तो आपको राष्ट्रीय चिन्ह भी याद रखना इसके बारे में भैया, भवन के शीर्ष यानी सबसे ऊपर इसको लगाया गया है। इसका वेट वगैरह याद रखना, वेट कितना है इसका, हाइट कितनी है, और भैया किसकी मूर्ति, कांस्य की मूर्ति है। इसके बाद आगे चलेंगे तो एक दिखेगा आपको गोल्डन राजदंड, इस गोल्डन राजदंड को ही संगोल कहा जाता, क्या, संगोल कहा जाता, संगोल। तो संगोल के बारे में देखेंगे, ये आपको दिख भी रहा होगा चित्र में भी, है ना, ये है संगोल, ठीक। कई बार पूछा भी जाता है संगोल का जो शीर्ष है उस पर किसकी मूर्ति है, तो भैया याद रखोगे ये मूर्ति किसकी है, नंदी जी की मूर्ति है ना, नंदी जी यानी महादेव के जो सवारी हुआ करती थी, भोले शंकर की जो सवारी हुआ करती थी नंदी, ठीक, उन्हीं की ये मूर्ति है। तो देखो संगोल क्या है, अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया है ना। गोल्डन राजदंड यानी संगोल, स्पीकर के पोडियम, ये भी आप याद रखना, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो संगोल है ये किसकी सीट के पास में रखा गया है, तो याद रखेंगे ये लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास इसको रखा गया है, ठीक है, जो स्पीकर जिसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जिसको स्पीकर बोल देते, तो उनके पास में इसको रखा गया है, और तमिलनाडु के पुजारियों के द्वारा ये दिया गया था। अगर बात करें भैया किससे संबंधित है ये, तो चोल वंश से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है संगोल। ऐसा कहा जाता कि उस समय जब शासक थे तो शासक के बाद, यानी एक शासक के बाद जिसका, जब उसका उत्तराधिकारी शासक बनता था ना, तो वो शासक अपने उत्तराधिकारी को इसको सौंप दिए देता था, ठीक है नहीं। अब इसी तरीके से जब माउंटबेटन भारत से गया और मतलब आज़ादी के बाद में
माउंटबेटन के समय में जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो जब माउंटबेटन ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू को ये सौंप करके गया था, ठीक है नहीं, याद रखेंगे। तो ये था अपना अपना सेंगोल, और याद रखना, देखो ये इधर देख लो एक बार और, है ना, तो याद रखना इसके बारे में जो भी पूछा जाएगा। क्या एक तो भैया इसके शीर्ष पर क्या है, ये तो नंदी की मूर्ति है, किसकी, नंदी की मूर्ति, याद रखेंगे, ठीक है भैया। किसके पास में, तो याद रखेंगे जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होगा, क्या, लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास में इसको रखा गया है। और किस वंश से संबंधित है ये, तो चोल वंश से संबंधित है। इतनी बातें आपको संगोल के बारे में याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें देखो इसमें, तो नेक्स्ट है अब नई संसद भवन जो अपनी है, तो नई संसद भवन के साथ साथ अब जैसे कि आप जानते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो नई संसद भवन का उद्घाटन जो किया गया था, आप सभी को याद होना चाहिए भैया, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो 2023 में ही किया गया है ना, 28 तारीख को, तो 2023 में इसका उद्घाटन किया। अब लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो नए संसद भवन है, इसकी नींव कब रखी थी, इसकी नींव कब रखी थी, नींव, तो आपको याद रखना होगा सर, इसकी जो नींव रखी गई वो 10 दिसंबर को रखी गई थी, है ना, दिख रहा है भाई आपको, नहीं दिख रहा है, 10 दिसंबर को इसकी नींव रखी गई, और 10 दिसंबर 2020 में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। लेकिन नींव तो 20 में रखी गई थी, लेकिन अब ये जो इन्होंने 2023 में इसका उद्घाटन किया गया सर, तो इसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो याद रखेंगे 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, ठीक है, याद रखेंगे 75 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं थोड़े से की पॉइंट की, जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ, तहत इसकी स्थापना की, मतलब अपने संसद भवन का निर्माण किया गया, ठीक। फिर याद रखेंगे आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसका जो डिजाइनर है, वो कौन है, ठीक है, जो नई संसद भवन है इसका डिजाइनर, याद रखेंगे भाई इसके डिजाइनर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए सर, इसके डिजाइनर थे विमल विमल पटेल, विमल पटेल इसके डिजाइनर थे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई किस कंपनी ने इसका ठेका लिया था, यानी निर्माण कार्य जो करवाया वो किस कंपनी ने करवाया, तो याद रखेंगे टाटा लिमिटेड ने इसका निर्माण करवाया था, किसने, टाटा लिमिटेड ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है भाई। अगर आपसे मोटा मोटा खर्च पूछ लिया है कि लगभग कितना खर्च इसमें आया है ना नए संसद भवन में, तो लगभग लगभग याद रखोगे 800 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आ गया, ठीक है, 800 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आ गया, ठीक है भाई। अगर पूछा जाए कितने क्षेत्रफल में है ये, यानी इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए कि लगभग लगभग क्षेत्रफल कितना है, तो 64,500 मीटर स्क्वायर जो है भैया इसका क्षेत्रफल आपने अपने को देखने को मिलता है। आकार मैं आपको बता चुका हूं, आकार कैसा है संसद भवन का अपनी, तो त्रिभुजाकार इसका आकार है, ठीक है नहीं, कैसा आकार है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। बाकी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं वीडियो में, ठीक है भाई। जैसे कि इसमें कुल कुल जो सीटें होंगी वो आपको पता है भैया, 1200 कितनी सीटें, 72 सीटें इसमें टोटल होने वाली हैं, और जिसमें से लोकसभा के पास कितनी, यानी लोकसभा सीट कितनी और राज्यसभा सीट कितनी होंगी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो लोकसभा सीट तो 888 यानी 888, और राज्यसभा सीट कितनी, 384 राज्यसभा सीट रहने वाली हैं। तो इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है नहीं भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भैया वीडियो पसंद आया होगा। अगर संसद भवन से सवाल पूछा जाएगा तो इतना ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक, और कमेंट करके बताना कि भैया वीडियो आपको कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा लगा, और फिर अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जिस साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर देना और वेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है भाई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।